नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर रवाना। प्रधानमंत्री ने भारत को अल्प विकसित और विकासशील देशों तथा पश्चिमी देशों के बीच सेतु बताया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद के मानसून सत्र से पहले 18 जुलाई को उच्च सदन के नेताओं की बैठक बुलाई। गृहमंत्री अमित शाह का गुरुग्राम में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए साझा रणनीति तैयार करने का आह्वान। भारत के तीसरे चंद्रयान मिशन के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुरू। दिल्ली की अदालत ने कोयला घोटाला मामले में राज्यसभा के पूर्व सांसद विजय दर्डा और पूर्व कोयला सचिव HC गुप्ता को दोषी करार दिया। और विंबलडन टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एब्डेन आज शाम पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में खेलेंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर पेरिस पहुंचेंगे। वे कल बेस्टिल डे परेड के मुख्य अतिथि होंगे। भारत की तीनों सेनाओं की एक टुकड़ी भी इस परेड में हिस्सा लेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि वे अपने मित्र फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस जा रहे हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। इस वर्ष भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा रणनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक सहयोग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने का अवसर प्रदान करेगी। यात्रा के दौरान व्यापार और अर्थव्यवस्था पर भी जोर रहेगा। भारत तथा फ्रांस की प्रमुख कंपनियों के CEO से बातचीत होगी। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यक्तिगत स्तर पर भी अच्छा तालमेल है और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इस अवसर पर प्रधानमंत्री के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन कर रहे हैं। सुपर्णा और रईसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विजयलक्ष्मी कासूटिया। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शनिवार को अबुधाबी जाएंगे। वे संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबुधाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को विकासशील देशों और पश्चिमी जगत के बीच सेतु बताया है। फ्रांस के एक अखबार के साथ भेंटवार्ता में श्री मोदी ने कहा कि विकासशील देशों को लंबे समय से अधिकारों से वंचित रखा गया, जिसके कारण इन देशों में पीड़ा है। उन्होंने कहा कि दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाले देश के रूप में भारत को उसका न्यायोचित स्थान मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दुनिया की आवाज उठाने का दावा किस तरह कर सकती है जब सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश और सबसे बड़ा लोकतंत्र परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में व्यापक फेरबदल की पैरवी की। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदार बताया, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर भारत के विचारों को साझा करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत सभी मतभेदों का संवाद और कूटनीति के जरिए शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सभी देशों की संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का सम्मान करता है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आतंकवादी हिंसा फैलाने, युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और वित्तीय संसाधन जुटाने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। श्री शाह ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स और NFT के युग में अपराध तथा साइबर सुरक्षा पर G20 सम्मेलन के दौरान ये बात कही। टेररिस्ट को अंजाम देने के लिए, युवाओं को रेडिकलाइज करने के लिए तथा वित्त संसाधन जुटाने के लिए नए तरीके खोज रहे हैं। वर्चुअल एसेट्स के रूप में नई तरीकों का उपयोग आतंकवादियों द्वारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए भी किया जा रहा है। टेररिस्ट अपनी पहचान छिपाने के लिए और रेडिकल मटेरियल को फैलाने के डार्क नेट का भी उपयोग कर रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व और वैश्विक ताकतें नागरिकों तथा सरकारों को आर्थिक और सामाजिक नुकसान पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि डायनामाइट से मेटावर्स और हवाला से क्रिप्टोकरेंसी तक सुरक्षा चुनौतियों में बदलाव चिंता का विषय है।
उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी, साइबर हमले, महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डाटा की बिक्री, ऑनलाइन उत्पीड़न और बाल शोषण से लेकर फेक न्यूज तथा टूल किट के माध्यम से दुष्प्रचार अभियान चला रहे हैं। श्री शाह ने परस्पर जुड़ी दुनिया में साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इस समस्या से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए साझा रणनीति बनाने का भी आग्रह किया। पिछले 9 वर्षों के दौरान डिजिटल क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि भारत डिजिटल लेनदेन में दुनिया में अग्रणी देशों में है। डिजिटल ट्रांजेक्शन के क्षेत्र में भी हमने ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की है। 2022 में भारत 90 मिलियन लेनदेन के साथ वैश्विक डिजिटल भुगतान में अग्रणी बना हुआ है। अब तक भारत में यूपीआई ट्रांजेक्शन 35 ट्रिलियन रुपये पार कर गया है। वैश्विक डिजिटल भुगतान का 46% भारत में है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद के मानसून सत्र से पहले 18 जुलाई को उच्च सदन के नेताओं की बैठक बुलाई है। बैठक 6 मौलाना आजाद रोड पर होगी। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और इसके 11 अगस्त तक चलने की आशा है। इससे पहले एक ट्वीट में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सभी दलों से आग्रह किया था कि वे मानसून सत्र के दौरान विधायी कार्य और अन्य विषयों पर चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लें। उन्होंने बताया कि 23 दिन तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। संसद का मानसून सत्र पुराने संसद भवन में होगा। भारत के तीसरे चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 की उल्टी गिनती आज शुरू हो गई। 26 घंटे की उल्टी गिनती दोपहर 1:05 पर शुरू हुई। भारतीय अंतरिक्ष विकास संगठन इसरो LVM-3 रॉकेट से कल दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण करेगा। भारत चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यान भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। ये मिशन चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सुचारू लैंडिंग कराने की भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि चंद्रयान 3 विशेष रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि अमरीका का नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो संयुक्त रूप से मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान सहयोग का रणनीतिक ढांचा विकसित कर रहे हैं। दिल्ली की एक अदालत ने राज्यसभा के पूर्व सदस्य विजय दर्डा और पूर्व कोयला सचिव HC गुप्ता को छत्तीसगढ़ में कोयला खंडों के आवंटन में हुई अनियमितताओं के मामले में दोषी ठहराया है। विशेष न्यायाधीश संजय बंसल ने दर्डा के बेटे देवेंद्र दर्डा और दो वरिष्ठ लोक सेवकों KS क्रोफा और KC सामरिया तथा JLD यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जायसवाल को भी दोषी ठहराया है। अदालत ने इन सबको आपराधिक षड्यंत्र, जालसाजी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दोषी पाया है। कोयला घोटाला केंद्र में UPA सरकार के शासन में हुआ था। सरकार ने कुछ स्वर्ण आभूषणों और सोने की वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिसूचना में विदेश व्यापार महानिदेशालय ने सोने के आभूषणों और कुछ अन्य वस्तुओं को मुक्त श्रेणी से हटाकर प्रतिबंधित श्रेणी में शामिल कर लिया है। अब इन वस्तुओं के आयात के लिए सरकार से लाइसेंस लेना जरूरी होगा। भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत आयात होने वाली वस्तुओं के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी और इस समझौते के तहत बिना आयात लाइसेंस के स्वर्ण आभूषण और सोने से बनी वस्तुएं देश में लाई जा सकेंगी। मौसम विभाग ने आज देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम में अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम मध्य प्रदेश में भी कल तक बहुत तेज वर्षा जारी रहने की संभावना है। अगले 4 दिनों में पूर्वी राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा में कमी आने का अनुमान लगाया है। हालांकि अगले 4 दिनों में गंगा के मैदानी इलाकों में बारिश जारी रहने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। तेज वर्षा और भूटान के
कुरिचू बांध से पानी छोड़े जाने के कारण बोंगई गांव, विश्वनाथ, चिरांग, धेमाजी और लखीमपुर क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। कोकराझार और चिरांग जिलों में अगले 24 घंटों में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिनों में राज्य के अन्य पश्चिमी जिलों में भी भारी वर्षा की संभावना है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में भी जलस्तर बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार ने राजधानी के उन क्षेत्रों में सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने की घोषणा की है जहां जल भराव की समस्या हो रही है। राज्य सरकार ने नई दिल्ली में ओखला और चंद्रावल वजीराबाद जल शोधन संयंत्र भी बंद कर दिए हैं। ये फैसले यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लिए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने कुछ प्रमुख मार्गों में बदलाव का परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट। यातायात पुलिस ने एडवाइजरी में कहा है कि जीटी करनाल रोड पर यातायात की आवाजाही बंद कर दी गई है। इसे सोनीपत की तरफ से जीटी करनाल रोड से आईएसबीटी की ओर परिवर्तित किया गया है। बाहरी रिंग रोड पर केवल रोहिणी से आईएसबीटी के बीच जीटी करनाल रोड की ओर यातायात की अनुमति दी गई है। मुकरबा चौक पर यातायात को पीरागढ़ी चौक और नरेला की ओर मोड़ दिया गया है। भलसवा इलाके में भी यातायात को पीरागढ़ी और नरेला की तरफ डायवर्ट किया गया है। परामर्श में कहा गया है कि मुकरबा चौक फ्लाई ओवर के नीचे जीटी करनाल रोड से आजादपुर तक यातायात को रोहिणी की ओर मोड़ दिया गया है। सिंघू बॉर्डर पर ट्रैफिक को कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर डायवर्ट किया जा रहा है। हरियाणा और पंजाब से आने वाली यात्री बसों का अंतिम स्टैंड सिंघू बॉर्डर किया गया है। रहीसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज। इस बीच दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर 1978 के 207.49 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 208.57 मीटर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में आज शाम भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के उनके जोड़ीदार मैथ्यू एब्डन का मुकाबला नीदरलैंड्स के वेस्ली कूलहोफ और ब्रिटेन के नील स्कूस्की की जोड़ी से होगा। महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज ट्यूनिशिया की अंस जेबुअर का मुकाबला बेलारूस की अरिना सबालेंका से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में यूक्रेन की इलिना स्वितोलिना चेक रिपब्लिक की मार्केटा वोंद्रुसोवा से खेलेंगी। पुरुषों के सिंगल्स में कल शीर्ष वरीयता प्राप्त कार्लोस अल्कराज का तीसरी वरीयता प्राप्त रूस के डेनिल मेदवेदेव के साथ सेमीफाइनल मुकाबला होगा। दूसरे सेमीफाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच और इटली के यानिक सिनर आमने सामने होंगे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में खेले जा रहे महिला क्रिकेट के तीसरे और अंतिम 2020 इंटरनेशनल मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 10 ओवर में 2 विकेट पर 55 रन बना लिए हैं। इससे पहले मेहमान टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पहले दोनों मैच जीतने के बाद भारत की नजर अब 3 मैचों की श्रृंखला को 3-0 से जीतने पर है। अमरीकी ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु ने अमरीका की दिशा गुप्ता को हरा दिया है, जबकि लक्ष्य सेन ने पुरुषों के सिंगल्स में फिनलैंड के कल्ले कोलजोलोन पर जीत हासिल की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय स्नातक प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2023 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया है वे आधिकारिक वेबसाइट cuet.samarth.ac.in से उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर रवाना। प्रधानमंत्री ने भारत को अल्प विकसित और विकासशील देशों तथा पश्चिम देशों के बीच सेतु बताया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद के मानसून सत्र से पहले 18 जुलाई को उच्च सदन के नेताओं की बैठक बुलाई। गृहमंत्री अमित शाह का गुरुग्राम में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए साझा रणनीति तैयार करने का आह्वान। भारत के तीसरे चंद्रयान मिशन के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुरू। दिल्ली की अदालत ने कोयला घोटाला मामले में राज्यसभा के पूर्व सांसद विजय दर्डा और कोयला सचिव HC गुप्ता को दोषी करार दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।